हेलो दोस्तों, आप सभी को माँ की रसोई में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बाजरे से शक्करपारे या टिकिया, दोस्तों जो जगह जगह पे इसके अलग अलग नाम है दोस्तों, वो बना के आप सभी को दिखाती हूँ। दोस्तों, इस तरीके का मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें लगभग 1.5 गिलास मैंने पानी ले लिया है। दोस्तों, पानी में क्या करना है, मैं डालूँगी गुड़। गुड़ से बना सकते हो आप लोग, चीनी से बना सकते हो। मैंने इसको मैं गुड़ डाल दिया है दोस्तों। इसमें डालूँगी मैं 1 चम्मच देसी घी। और क्या करूँगी दोस्तों, इसको गैस पे गर्म होने देती हूँ। ज़्यादा गर्म नहीं करना, हमें बस गुड़ को पिघलाना है, हल्का गुनगुना रखना है दोस्तों, इस तरीके से। और मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, इस तरीके से इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर दूँगी। दोस्तों, ये सर्दियों में खाने वाली रेसिपी है और ये अक्सर गाँव में तो संक्रांति पे बहुत ज़्यादा बनती है। और ये दोस्तों, ये 1 या 2 महीने के लिए हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब ये दोस्तों, इधर मेरा गुड़ पिघल रहा है, जब तक मैंने एक बड़ा सा थाल लिया, उसमें क्या किया, छन्नी रखी और 1 कटोरी बाजरे का आटा लिया। इसको छान लेती हूँ दोस्तों। 1 कटोरी और लूँगी, मैं नाप के बना रही हूँ, मैं 2 कटोरी के मीठे शक्कर पारे बना रही हूँ। अभी मैंने छान लिया है फ्रेंड्स। अब मैं ये डालूँगी 1 छोटी कटोरी इसमें तिल भर के, और इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर दूँगी। दोस्तों, इधर मेरा गुड़ पिघल चुका था तो मैंने 1 छन्नी ली और 1 छन्नी से छान के डालती जाऊँगी, क्योंकि दोस्तों गुड़ में जो भी होता है, कंकड़ मिट्टी गन्ने से बना होता है, तो उसमें अक्सर थोड़ा बहुत गंदगियाँ निकलती है, तो छन्नी से छान के मैं ले लूँगी। अब इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स करते जाऊँगी, और एक इस तरीके का मैं एक अच्छा सा इसका सॉफ्ट सा डो बना लूँगी इस तरीके से। दोस्तों, ये बाजरे के आटे से बना रही हूँ फ्रेंड्स। आप गेहूँ के आटे से भी बना सकते हो, सूजी से भी बना सकते हो। आप अपनी, ये ठंडी का मौसम है तो ये अक्सर बाजरे के आटे से ही बनाए जाते हैं गाँव में। इस तरीके से इसको अच्छे से, इस तरीके से मैं 2 भागों में बांट लूँगी, और इस तरीके से इसको हाथ से जितना मसलोगे ना फ्रेंड्स, उतना ही अच्छा हमारा आटा बन के तैयार होता है। अब ये क्या किया मैंने, दोनों को इस तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर लिया है, और इसका देखो कितना अच्छा सा डो बन के तैयार हो गया है दोस्तों। अब मैं इसमें क्या करूँगी फ्रेंड्स, एक मोटी सी लोई तोड़ के, और इस तरीके से मैं इसका एक पेड़ा बना के हाथ की मदद से इसको दबाते हुए इसको बड़ा कर लूँगी। अगर फ्रेंड्स आप सभी पे हाथ से नहीं बड़े, तो आप इसको बेलन की मदद से भी बढ़ा सकते हो, धीरे धीरे करके इस तरीके से। देखो, बेलन से भी फटेगा नहीं, क्योंकि हमें आटे में, मतलब आटे को अच्छे से मसलना है। अगर आप मसलोगे नहीं तो हमारी बिलेगी नहीं बाजरे की, ये रोटी जैसे शेप में। अब फ्रेंड्स, आपको जिस तरीके का शेप बनाना है, उस तरीके के आप दे सकते हो। मैंने इस तरीके की एक कटोरी ली, इस कटोरी को मैं इस तरीके से बना लूँगी। फ्रेंड्स, यकीन मानो, खाने में इतनी टेस्टी लगती है और बिस्कुट जैसे दिखाई देती है, बहुत स्वादिष्ट लगती है ठंडियों में। दोस्तों, इस तरीके से मैंने इनको, और ये जो एक्स्ट्रा ये हटा लूँगी इस तरीके से, और देखो कितनी सुंदर बन के तैयार हुई है इस तरीके से। अब फ्रेंड्स, मैं क्या करूँगी, इस तरीके का एक कांटेदार चाकू लूँगी, जैसे मैगी वगैरह खाते हैं, उसमें इस तरीके से होल कर दूंगी। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, हमारी ये फूलेगी नहीं, बिल्कुल अच्छे से पकेगी, कुरकुरी होगी। इस तरीके से मैंने ये चारों में इस तरीके से होल कर दिया है, और इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने लगभग इतने सारे बना लिए। अब मैं क्या करूँगी, इधर एक कढ़ाई रखी, अब इसमें डाला सरसों का ऑयल। फ्रेंड्स, ये अधिकतर सरसों के ऑयल में ही अच्छी लगती है ये रेसिपी, तो मैं क्या करूँगी, इसको हल्का गुनगुना करना है, बिल्कुल नॉर्मल आँच पे इनको पकाना है। हम नॉर्मल आँच पे पकाएंगे तो फ्रेंड्स क्या होगा, हमारी कुरकुरे बन के तैयार होंगे। इस तरीके से मैं इसको उलट उलट करते हुए सेक लूँगी अच्छे से, बिल्कुल नॉर्मल गैस पे सेकना है फ्रेंड्स। अब दोस्तों, ये लगभग मेरे सिक चुके हैं। अब मैंने इस तरीके की ये छन्नी ली, और इसमें इस तरीके से जो एक्स्ट्रा ऑयल रहेगा फ्रेंड्स, उसको निकाल लूँगी, और इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, कितने अच्छे सिक्के तैयार हुए। इससे होल से क्या होता है फ्रेंड्स, बिल्कुल देखो कितने अच्छे बन के हुए हैं, बिल्कुल रेडी। इतने सारे बनाए थे मैंने दोस्तों, इतने सारे बनाए थे मैंने शक्करपारे, जिसको
काफ़ी जगह पर टिकिया भी बोलते हैं दोस्तों। मैं आप सभी को तोड़ के भी दिखा रही हूँ, देखो कितने अच्छे और कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं दोस्तों। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मैं किस चीज़ पर किस चीज़ की रेसिपी बनाऊँ। और प्लीज़ बाय बाय, आप सभी को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।